हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑफ अनदर वीडियो दिस यूट्यूब चैनल सी एंड सीविलिंग टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, आज वीडियो में सीखते हैं हाउ टू कन्वर्ट सूट टू एमएम एन इंच। काफ़ी ये होता है कि हम किसी के पास एक नट बोल्ट होता है तो वो चाहता है कि मेरा नट बोल्ट कितने एमएम का होगा, उसको बता देता भाई इतने सूट का ले आना, तो वहाँ पर सूट तो मेजर नहीं करेगा, सूट में सेव कर सकता है या फिर उसको पता चल जाए कि कितने एमएम का है। किसी को सूट पता होता है, किसी को एमएम पता होता है, किसी को इंच पता होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में यही सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। चलिए शुरू करते हैं। या फिर एक काफ़ी गांव में या विलेज में होता है कि जो सरिया होता है सूत में होता है, तो किसी को पता होता है कि भाई मुझे तो एमएम में पता है इस सूत में कितना आएगा, कितना पता चलेगा, तो तीन सूत का सरिया हो गया, पांच सूत का सरिया होता है, वो कितने एमएम के बराबर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक इंच। एक इंच में होते हैं 25.4 mm। सबको पता है कि 25.4 mm होता है स्टैंडर्ड है, आपको याद रखना है। इसका जो स्टैंडर्ड होता है 25.399 होता है, 35.3399, तो इसको 999 लेकर 25.4 mm, ठीक है। जो mm बहुत माइक्रोन हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा पॉइंट याद आने के बाद थोड़ा मेजर इसलिए कर लेते हैं, डिफरेंट ज़्यादा कुछ नहीं पड़ता है। उसके बाद देखते हैं एक इंच। एक इंच में होते हैं 8 सूत, आपको क्लियर हो जाएगा एक इंच में होते हैं ऑलवेज 8 सूत होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आधा इंच की बात करूं, आधा इंच या फिर 0.5 इंच, ठीक है, इसमें कितने होते हैं आपके पास 4 सूत, ठीक है, 4 सूत होंगे आपके। अगर आधा इंच ले रहे हैं आप तो आसमें होते हैं 4 सूत होते हैं। उसके बाद देखते हैं अगर हम बात करें 25.4, अगर मैं इंच की बात करूं या फिर आपको यहाँ पर 1 इंच दे देता हूँ, 1 इंच में होते हैं 8 सूत, तो 1 इंच में होते हैं 25.4, तो मैं ऐसे भी ले सकता हूँ 25.4 mm इक्वल टू होते हैं 8 सूत। उसके बाद देखते हैं हम 1 mm, 1 mm में बात करते हैं 1 mm में कितने सूत होंगे, तो डिवाइड बाई कर देंगे सिंपल जस्ट ओनली। तो 1 mm फाइंड आउट करना है तो 8 डिवाइड बाई 25.4, तो ठीक है, इससे 25.4 से इसको भाग कर देंगे 8 से, तो आपका 1 mm में निकल जाएगा 0। इसको 25.4 से 8 को डिवाइड करते हैं तो 0.3149 सूत आपके 1 mm में इतने सूत आएंगे, ठीक है। उसके बाद एक एग्जाम, उसके बाद देखते हैं ये वाला। अगर हम बात करते हैं 8 सूत, 8 सूत में होते हैं 25.4 mm, ठीक है, 8 सूत होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे 1 mm में कितने सूत होते हैं तो 0.3149 सूत होते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है तो एक सूत में कितने mm होंगे, तो 8 सूत होते हैं इक्वल टू 25.4 mm, क्लियर। ये 8 सूत होते हैं 25.4 mm के, या फिर यहाँ पर ब्रैकेट में 1 इंच होता है, 1 इंच में होते हैं 8 सूत, 1 इंच होता है 25.4 mm, क्लियर। तो 1 सूत की बात करते हैं हम 1 सूत में, तो सिंपल डिवाइड बाई हो जाएगा 25.4 डिवाइड बाई 8, तो आपके पास 1 सूत में हो जाएंगे 3.175 mm, ठीक है। आपसे कोई पूछा अगर 1 mm पूछे तो इतने सूत होते हैं, 1 सूत में होते हैं इतने mm। अगर आपको ये पता है 1 सूत में 3.175 mm होते हैं, तो इसे आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप mm में यहाँ पे जाना चाहेंगे ना, तो 1 mm यहाँ से भी कर सकते हैं, जैसे 1 mm है तो 1 डिवाइड बाई 3.175, इससे भी डिवाइड कर सकते हैं, तो आपका पास जो ये पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट ही आएगा इससे से डिवाइड करने पे, ठीक है। अगर ये आप चीज़ बताए, 1 सूत छोटा बड़ा होता है, 1 mm थोड़ा छोटा होता है, तो इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। अगर ये हमसे जैसे कि mm यहाँ पे 1 mm, तो 1 डिवाइड बाई 3.175 इससे डिवाइड करेंगे तो ये आप यही आएगा आपके पास, ठीक है। थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। अगर आपके पास कोई सरिया है 8 mm का, अगर आपसे 8 mm का सरिया है आपके पास, आपको पता है कि 8 mm है, अगर आपसे कोई दुकानदार पूछे जाओ इतने 8 mm का सूत लिया, वो 8 mm का सरिया लाए, तो दुकानदार वाला पूछता है मुझे तो सूत में बताओ, मुझे नहीं पता 8 mm कितना होता है, तो उसको आप क्या बताएंगे, तो 8 mm, तो 1 mm में कितना होता है सूत होता है, यहाँ पर आप देख लेते हैं 1 mm में 0.3149, तो 0.3149 सूत होते हैं 1 mm में, तो 8 mm में निकल जाएंगे एग्जैक्ट, तो इन दोनों गुना कर देते हैं 2.5192 सूत, तो फिर आप सीधा बोल सकते हैं भाई 2.5 सूत का दे दे मुझे, तो 2.5 8 mm बोल देंगे भाई मुझे 2.5 सूत का एक सरिया दे दे, ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकेंगे। उसके बाद देखते हैं एग्जांपल 12 mm, अगर 12 mm का सरिया है तो 12 × 0.3149 सूत, 1 mm में आपको पता है कि भाई मुझे 1 mm में इतने सूत होते हैं, तो ये क्लियर आपके पास हो जाएगा। अगर ये भी याद नहीं आता है कि कितने सूत होते हैं, तो बस आपको याद रखना है सूत में 3.175 mm होते हैं, सिंपल वहाँ फटाफट डिवाइड कर लेंगे 1 डिवाइड बाई 3.175, तो आपका ये निकल जाएगा यही, तो सब फटाफट गुना कर देंगे आपको इससे। अगर 12 mm का निकाल रहे हैं, 12 mm कितने सूत होंगे, तो 12 × 0.3149 सूत होते हैं, तो इन दोनों गुना करने पर 3.7788 सूत होते हैं, तो ठीक है। तो आप सिंपल उसको बोलेंगे 4 सूत, या फिर आप सिंपल ये भी याद रख लीजिए, एक
सूत होते हैं, जैसे एक सूत होते हैं ना बराबर 3 सूत, एक सूत होते हैं 3 mm के, तो कितना यहाँ पे देखो 3 पॉइंट समथिंग, 1 mm उससे ज़्यादा थोड़ा बड़ा है, पॉइंट बड़ा है 1 पॉइंट। तो सिंपल आप बोलेंगे अगर 8 mm है तो 3 दूनी 6 और 0.1, तो 2.5 सूत यहीं पे होगा, तो 12, एक सूत में होते हैं 3 सूत, तो 3 चौक 12, सिंपल यहाँ पे आप बोल देंगे 4 सूत। उसके बाद देते हैं 15, 16 mm का, तो 3 पंजे 15, ठीक है, एक सूत थोड़ा बड़ा पड़ा है तो 3 पंजे 15 या 16, यहाँ पे आपको जैसे कि 3 mm एक सूत में होते हैं, एक सूत बड़ा 3 mm, तो 16 को सिंपल यहाँ से 3 से भाग कर देंगे, तो 3 पंजे 15, तो 5 सूत, ये उसका मतलब 5 सूत का सारे दे दे भाई हमें फटाफट, सिंपल याद हो जाएगा जल्दी जल्दी में। तो सिक्स अगर यहाँ पे एग्जैक्ट की बात करें तो 16 mm इक्वल टू 16.0.3149, क्योंकि 1 mm में होते हैं इतने सूत, तो 16 mm में कितने सूत होंगे, तो 16 × 0.3149, तो इससे से गुणा कर देंगे तो इतने सूत होंगे, ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखते हैं 10 mm का बार है, 10 mm का बार कितना होगा, सूत 3 सूत के बराबर, कैसे, तो 3 सूत अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 3 सूत, तो 3 सूत में कितने 1 mm होते हैं, तो 3 × 3.175, ये आपके पास है 3 सूत, और एक सूत में होते हैं 3.175, यहाँ पे आपने निकाला है, ठीक है, ये वाला चीज निकाली सूत में इतने 1 mm, तो इसको हम सिंपल गुणा कर देंगे 3 से, तो 3 × 3.175 आपका इतने 1 mm निकल जाएगा, या फिर आपको समेशन ले लीजिए तो 10 सूत और 10 mm, ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते, जैसे कि 10 mm, 10 mm बराबर हुआ 3 सूत के, तो उससे सिंपल आप बोल देंगे भाई मुझे 10 mm सरिया है, तो 3 सूत के बराबर हो जाएगा, ठीक है, 3 × 3.175, ये वाला कैलकुलेशन निकाल लीजिए या फिर इस तरह से निकाल लीजिए जो आपको आसान लगता है, ओके। तो इस तरह से आप सूत में 1 mm में कितने सूत होंगे, तो 1 mm में इतने सूत होते हैं, एक सूत में इतने 1 mm होते हैं, तो इस तरह से आप बिल्कुल एग्जाम्पल निकाल सकते हैं फटाफट, अगर आप निकालते 3 सूत का, आपको पता है कि एक अगर हम सरिया बोल रहा है वो, अगर कोई आपसे सरिया बोल रहा है कि वही मुझे चाहिए 4 सूत का सरिया, आप फटाफट कैसे निकालेंगे 4 सूत, तो 4 × 3.175, ठीक है, तो 4 × 3.17, 4 सूत का बोल रहा है, तो फटाफट गुणा करेंगे तो कितने 1 mm का होगा, तो ये आपका निकल जाएगा। अगर आपसे कोई बोल रहा है 5 सूत, ठीक है, वो आपसे वही बोल रहा है 5 सूत का सरिया मुझे चाहिए, तो 5 सूत का फटाफट निकालेंगे, 5 × 3.175 इक्वल टू कितना हो गया आपका, 15 15 पॉइंट समथिंग होगा, 3 × 15 कुछ समथिंग आ जाएगा सूत का भाई, 15 mm, ये आपका 15 mm, या फिर आपको छोटा प्लस वन ले लेंगे तो 16, 15 mm का कोई हो सरिया होता नहीं है, तो फिर प्लस आपको एग्जैक्ट कर लेंगे 16 mm, तो 16 mm का सरिया चाहिए हमें, ओके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर वीडियो में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगा, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहे हमारे साथ, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, थैंक यू।